हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल पीएस डिजाइन फॉर एवर। दिस इज प्रीति शर्मा, फैशन डिजाइनर एंड ट्रेनर। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से जो हम शेडिंग करते हैं उस पे लाइन का कैसे हम यूज करेंगे। बेसिकली लाइन से हम शेडिंग सीखेंगे। हम लोग जानते हैं कि लाइन्स जो है वो 8 प्रकार के होते हैं, 8 टाइप्स के होते हैं, जिसमें 3 जो लाइन होता है वो सबसे ज्यादा यूज करने वाला होता है और हम लोग खासकर उसको शेडिंग में यूज करते हैं। तो आज क्लास में हम वही सीखने वाले हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल, इन 3 लाइन का यूज करके कैसे हम शेडिंग बनाएंगे। और चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं शेडिंग। तो गाइस, जब भी हम शेड्स देंगे तो शेड्स देने के टाइम पे हमें पेंसिल कुछ इस तरीके से पकड़ना होगा। और इस तरीके से पकड़ के आप देख सकते हो मैं ये किस तरीके से पकड़ी हुई हूँ। ऐसे 2 उंगलियों के बीच में ऐसे हमारा ये वाली उंगली होगी और इस तरीके से हम इसको पकड़ेंगे एंड देन हम स्केच सेट्स देंगे, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो 3 लाइन्स हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसको यूज करने के लिए सबसे पहले हमें हैंड को फ्री करना होगा एंड देन जा करके हम किसी स्केच पे, किसी फिगर पे सेट्स दे पाएंगे, ठीक है। तो सेट्स देने के लिए सबसे पहले हम बेसिक स्टेप सीखते हैं एंड देन हम एक फिगर पे सेट्स देते हैं। सो गाइस, सेटिंग देने के लिए सबसे पहले हम एक स्टेप को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि सर्कल बनाना होगा। इस तरीके से एक सर्कल बना लेंगे सारे ब्लॉक में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ये स्केचिंग के लिए, सर्कल पे आपका स्टेप होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप बेसिकली 100 टाइम्स आप ये प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एंड देन इस सर्कल में हम अब किस तरीके से लाइन्स का यूज करेंगे शेडिंग की तरह, ना कि हमने ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ कर लिया, वैसे नहीं, शेडिंग की तरह हम लाइन का यूज करेंगे। बेसिकली दिस इज वर्टिकल, आपसे ऐसे हो रहा है आप ऐसे बनाइए, लेकिन इस तरीके से आपको देने बनाने हैं, ठीक है। बेसिकली आप इस प्रैक्टिस को 100 टाइम्स करेंगे एंड देन मुझे वीडियो उसकी शेयर करेंगे। हमने दूसरी पेंसिल लिया, अब हम इसको इस तरीके से ट्राई करेंगे, ठीक है। दोनों तरफ, ये नहीं कि सिर्फ ऐसे ऐसे किया, हम इधर से भी लेंगे, ठीक है। इस तरीके से लगे, मैं प्रॉपर कवर कर रही हूँ इसको शेड्स दे करके, ठीक है। हम 2 टाइप्स में भी शेड्स सीखेंगे। देन उसके बाद हम बनाएंगे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल के लिए हमें इस तरीके से करना होगा। हम लाइन का यूज कर रहे हैं, ध्यान देना आप, और लाइन के यूज के साथ हम इसको शेडिंग में कन्वर्ट करेंगे गाइस। तो हम इसको ये है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन और हम इसी तरीके से शेड्स देंगे। देख रहे हो ये मैं किस तरीके से बना रही हूँ, दोनों तरफ से। दूसरी पेंसिल को भी यूज करेंगे हम। देखो, एक तो हमारा लाइन का प्रैक्टिस भी हो जा रहा है और दूसरे में ये शेडिंग भी बनते जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मर्ज करेंगे, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हम वर्टिकल एंड डायगोनल लाइन को यूज करेंगे।
और डायगनल लाइन हमारा ये है। तो हम इस तरीके से इसको गाइस अब हम फैशन फिगर पे किस तरीके से इसको सेट करेंगे वो देखेंगे। ये हमारा फैशन फिगर और इस पे हम सेट्स करेंगे। बेसिकली इस पे सेंट्रल और डायगनल दो सेट्स हम यूज करेंगे। इस चीज का ध्यान देना जो हमारा लाइन होगा उसके ऊपर ही प्रॉपर आपको सेट देने हैं एंड आगे जाकर के हमें लाइट टोन देने हैं। ठीक है जैसे जैसे हम चौड़े स्पेस में आते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो शेड्स होगा उसकी लेंथ और बढ़ जाएगी बट पतले स्पेस में हमारी लेंथ क्या होगी शेड्स की कम होती जाएगी। इस तरीके से
गाइस ये इस तरीके से हमारा सेटिंग होगा और ऐसे ही आपको भी फिगर बनाने हैं प्रॉपर और इसमें लाइंस का यूज करके इस तरीके से आपको शेड्स देने हैं। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा, आपको ये पसंद आया है और ये शेडिंग आपको लग रहा है कि आपको भी करना चाहिए, तो इस शेडिंग को कीजिए और इसकी स्मॉल क्लिप बना करके मुझे शेयर कीजिए। ऐसे ही स्टेप्स सीखने के लिए मुझे फॉलो कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।